अरे हाँ आज सुबह सुबह मैं उठा मैंने ये देखा मैंने कहा यार ये तो जी जी डब्ल्यू पी हो गया तो मतलब कुल मिला के आ, मौई मौई हो गया जो भी था पर हो गया इसके बारे में इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है टीम टूगेदर ई स्पोर्ट्स सेम सेम बट डिफरेंट क्या बात कर रहे हो आ, इनको डिस्कालीफाई कर दिया गया है ये अंदर हो चुके हैं मतलब टीम टॉप में आने वाली है और वो फाइनल्स खेलने वाले हैं कहीं जा चुकी है मुझे। क्योंकि अब एक दूसरा जा चुकी है चार्ट बता दीजिए जा चुकी है बट <laughs> कल भाई गोब्लिन भाई खेलते हुए नजर आए हमें ब्लाइंड के साथ तो भाई अब क्या फिर से यहाँ पर ट्रायल तो नहीं चल रहा जो मुझे लग रहा है और आदि भाई के साथ है आप समझ जाओ अब मुझे जो लग रहा है क्योंकि वी ऑल नो ब्लाइंड में कौन सी टीम आने वाली है इनसेन आदि और आदि अगर गॉबरे ब्लाइंड में मतलब वापस से वो अपनी टीम के साथ ये, आ, री यूनाइट कर दे क्योंकि ब्लाइंड में वी ऑल नो जो आपके एक्स इनसेन की जो टीम है है ना एक्स इनसेन की जो टीम है पूरा रोस्टर जो है वो खेलता नजर आएगा उसके ऐसे इनसेन में एक्सपॉर्ट खाली क्योंकि देखो तो ब्लाइंड की लाइन अब सोल गई ब्लाइंड में एक्सपोर्ट खाली हुआ फिर वहां कोई लाइन अब आएगी तो जहां से वो आ रही वहां एक स्लॉट खाली होगा तो ऐसे स्लॉट्स खाली हो रहे हैं तो जो इन सीन है वहां पर वो अगेन एक अंडर वर्ल्ड लाइनअप बना एवरी टाइम आदि वन जिसके अराउंड वो लाइनअप जो लाइनअप को बनाया करता था इस बार आदि नहीं है तो सुनामी को रिस्पांसिबिलिटी दी गई पहली बार एक्चुअली सो so, सुनामी को दी गई कि अब आप जाइए एक लाइनअप बनाइए लाइन अपना कुछ प्लेयर्स उठाए एक लाइनअप बनाया खेला और फिर पता चलता है कि उस लाइनअप में मैक्स कैश भाई भी थे अब मैक्स कैश ऑलरेडी एल खेल चुके थे किसी दूसरे टीम के साथ एचवी तो हाई वोल्टेज वन पावर नॉट एचवी एचवी एक साथ था ना तब उस टाइम कर चुकी है चुकी है बट उस समय पे नाम तो ही चल रहा था ना बट बेसिकली वही है कि तो भाई ने वापस यहाँ पे खेला अब जब तक पता चला तब तक वो खेल चुके थे तो अब सबसे पहला तरीका होता है कि मैनेजमेंट को खुद ही बता दो वरना बाद में बहुत बीटी होगी तो इन लोगों ने खुद ही बता दिया विड्रॉ कर दिया और वो डी हो गया क्योंकि तो एक प्लेयर दो जगह से नहीं खेल उसने सुना

बट मुझे लग रहा है कि सफल रहेगा भाई क्योंकि देखो आदित्य भी एक भाई वन ऑफ द बेस्ट असोल्टर ऑफिस की बात है कोई बेंच करके भाई कोई फायदा ऐसा है नहीं चलो एक चीज बताता हूँ इसमें हम्म अगर तुम लोगों को पता तो बताना गाइस आदित्य ने टीम एक्सपाक छोड़ दी पता ना हाँ क्यों छोड़ी क्योंकि वो फिफ्थ प्लेयर नहीं रहना चाहता था हाँ। वही चीज बिलीव ने भी करी थी ओजी में